बच्चों आज की वीडियो में हम चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की एनसीईआरटी एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस कर लेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 की वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लेते हैं। इन अ चैम्बर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस इज मेंटेन्ड। यहां पर हमको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, पहले तो गिवन है उसे नोट करते जाते हैं हम, 6.5 गॉस की। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं टेस्ला में बाय मल्टीप्लाइंग 10^-4। तो गॉस को हमने कन्वर्ट कर लिया टेस्ला में। ये हमको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। एन इलेक्ट्रॉन शॉट इनटू द फील्ड विद अ स्पीड ऑफ 4.8×10^6 मीटर पर सेकेंड नॉर्मल टू द फील्ड। सपोज ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज शॉर्ट और इसकी वेलोसिटी हमको गिवन है v = 4.8×10^6 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से एक इलेक्ट्रॉन इस फील्ड में एंटर कर रहा है। एक्सप्लेन why the path of electron is a circle। अब ये एंटर कैसे कर रहा है, परपेंडिकुलरली। थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। तो जब भी किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली या फील्ड के नॉर्मल एंटर करता है तो वो एक सर्कुलर पाथ पे चला जाता है, हमें पता है ये। वहां पर एक तो होती है मैग्नेटिक फोर्स। क्या मैग्नेटिक फोर्स, F = qvb sin थीटा से जब हम थीटा 90 रखेंगे तो F = qvb आ जाएगा। इस टाइम पर चार्ज पार्टिकल पर मैक्सिमम फोर्स लगती है, कितनी, qvb। अब ये जो फोर्स है इसकी जब हम वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो q यहाँ v क्रॉस b इस तरीके से आ जाता है वेक्टर फॉर्म में, कि अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे v पर भी वेक्टर और b पर भी वेक्टर। तो मींस v, b और f ये तीन हमारे पास यहाँ वेक्टर क्वांटिटी है। हम ये आंसर इसका देख रहे हैं कि ये सर्कुलर पाथ पर क्यों चला जाता है। तो क्यों चला जाता है सर्कुलर पाथ पर, अब देखिए v की कुछ डायरेक्शन है, b की कुछ डायरेक्शन है, तो ये एक प्लेन है v क्रॉस b, उसके परपेंडिकुलर f की डायरेक्शन है। हम इसकी हेल्प से देख लेते हैं इसको, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड की हेल्प से। तो क्या होता है इसमें कि ये पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में हम ऐसे अगर रखें तो देख रहे हैं ये है फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है, ये एक प्लेन में आ गए दोनों v क्रॉस b, ये है b, ये है यहाँ पर v, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, तो फोर्स इधर है। तो अब ये जो चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा था इस पे इधर की तरफ फोर्स लग रही है ऐसे, तो क्या होगा ये ऐसे टर्न हो जाएगा, टर्न होगा तो फोर्स की डायरेक्शन अब इधर हो गई तो और टर्न होता जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा ये पूरा ऐसे सर्कुलर पाथ बना लेगा। तो यहाँ पर क्या रीजन है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है qvb यही प्रोवाइड करा देता है mv² / r द सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ऑन सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ के लिए जो सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए mv² / r वो कहाँ से मिल जाता है, qvb से मिल जाता है, मैग्नेटिक फोर्स से। इसलिए चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर चला जाता है। तो पहले पार्ट में हमको यही बताना है कि ये सर्कुलर पाथ पर क्यों चला जाता है। दूसरे पार्ट में हमको इसमें रेडियस फाइंड करनी है। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। ई की वैल्यू गिवन है, एम ई की वैल्यू गिवन है। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6×10^-19 कूलम और me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1×10^-31 किलोग्राम। तो ये हमको पता ही होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास। तो अब हम पहले तो यहाँ पर आंसर लिख लेते हैं कि क्या रीजन है कि चार्ज पार्टिकल जो है वो ऐसे सर्कुलर पाथ बना लेगा, किसी भी डायरेक्शन में बनाए वो हम इसके हिसाब से देख लेंगे। अब यहाँ लिख लेते हैं हम F
इज इक्वल टू क्यू वी बी, ये इक्वल हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर के, तो सेंट्रिपिटल फोर्स इसको मिल गया इसलिए ये सर्कुलर पाथ पे चला गया। और हमने देख ही लिया कि ऐसे ऐसे इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो इसलिए ये सर्कुलर पाथ पे जा रहा है। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, जो ऐसे ही हमसे थियोरेटिकल पार्ट था वो पूछा था। अब हमें रेडियस फाइंड करनी है। रेडियस आर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ वी से ये वी कैंसिल हो जाएगा तो ये आर की वैल्यू आ जाएगी एम वी अपॉन क्यू वी। इस फॉर्मूले में हम यहाँ से वैल्यूज पुट कर देंगे और रेडियस आ जाएगी। तो ये आपने सब ये समझ तो लिया ही, तो हम इसको हटा देते हैं। एम की वैल्यू कितनी है 9.1 × 10⁻³। वी की वैल्यू कितनी है 4.8 × 10⁶। और क्यू 1.6 × 10⁻¹⁹। और बी 6.5 × 10⁻⁴। ये सारी वैल्यूज रख ली, जस्ट अब हमें ये सिंप्लीफाई करना है। जरा हम देखते हैं इसको ध्यान से, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, वो हमें दिख ही रहा है। सारे तो पॉइंट्स कैंसिल हो जाएंगे, अदरवाइज यहाँ पर हम ये 13 से डिवाइड कर देते थे, तो 13 7 एंड 13 5, ठीक है। इधर यहाँ पर ये बच गए दोनों, तो 16 3 48, तो क्या वैल्यूज बच गई हैं 7 × 3 और यहाँ नीचे हमारे पास 5। अब सारी पावर्स लिख लेते हैं, −31 और +6 और ये 19 भी ऊपर आकर प्लस हो जाएगा और ये 4 भी ऊपर आकर प्लस हो जाएगा। तो हमने सारी पावर्स एक साथ लिख ली हैं। अब देखते हैं 21/5 आया है और इधर यहाँ पर 19 और 4 23 और 6 29 −31, तो ये 10⁻²² आ गया। 5 से इसको डिवाइड कर दें तो ये आ गया 4.2 × 10⁻²। रेडियस है क्या, यूनिट होगी इसकी मीटर, ठीक है। तो 4.2 × 10⁻², मीटर, या हम लिख सकते हैं 4.2 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया इसका। तो जो इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर पाथ पर जाएगा उसकी रेडियस कितनी होगी 4.2 सेंटीमीटर। तो आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। नंबर 12 में बच्चों हमें यही वैल्यूज यूज करके फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ये जैसे इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है ना, तो 1 सेकेंड में कितने ऐसे ये राउंड्स लेगा वो फाइंड करना, मीन्स फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो ये वैल्यूज हम लिख ही रहने देते हैं। अब है ये क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर अब हमें फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का हमको पता है 2πr/v होता है, तो फ्रीक्वेंसी हम क्या लिख सकते हैं v/2πr। इसको हम दूसरा फॉर्मूला 2πm/qb से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये छोटा फॉर्मूला है तो हम इसे यूज कर ले रहे हैं। यहाँ v की वैल्यू रख देते हैं 4.8 × 10⁶, 2, और पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं। आर की वैल्यू हमने अभी जस्ट इससे पहले फाइंड की थी, तो 4.2 × 10⁻²² थी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने पाई को 22/7 क्यों रखा, क्योंकि जो आर की वैल्यू है ना वो 7 से डिवाइड हो जाएगी इसलिए। अब ये देख लेते हैं इसको सॉल्व करना है, तो ये पॉइंट से पॉइंट यहाँ कैंसिल हो गया, 7 6 यहाँ पर आ गया, और 6 से अब ये 48 आ गया, 2 से फिर ये 8 भी कट जाएगा, 4 आ गया, फिर अब ये जो 4 है 2 × 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 11। तो ये सब हमने ऐसे काट दिया, बचता क्या है ये ऊपर तो 2 और यहाँ नीचे ये 11, पावर्स कितनी 6 और ये 2 ऊपर आएगा प्लस। बच्चों इससे आगे की रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई, मुझे पता ही नहीं चला कि कब रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई,
और नेक्स्ट क्वेश्चन भी करा दिया, फिर बाद में जब देखा तो पता चला कि रिकॉर्डिंग ही नहीं है। तो इसको हम अब कंटिन्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के एंड में थे ना, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहाँ तक पहुँचा, 2 by 11 into 10 to the power 8। ये हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे थे, ठीक है ना। यहाँ तक हमने देख लिया कि जो भी कैलकुलेशन है उसको करने के बाद ये हमारे पास आ गया 2 by 11 into 10 to the power 8। इसको हमने इस तरीके से लिख लिया 200 upon 11 into 10 to the power 6। ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से हमने 8 minus 2 पावर्स कम कर दी और यहाँ पर 200 लिख दिया है 2 को। तो इससे हमारे लिए डिवीजन भी इजी हो जाएगा और ये जो 10 to the power 6 है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, तो हम इसको मेगा हर्ट्ज में भी लिख सकते हैं। यहाँ जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करके आता है ये 18.1 into 10 to the power 6। अब थोड़ा हम इसको राउंड ऑफ करके ऐसे लिख लेते हैं 18.1 है तो 18 मेगा हर्ट्ज हम इसको लिख लेते हैं। अब ये 10 to the power 6 हमने हटा दिया, ये हर्ट्ज में है और ये मेगा हर्ट्ज में है। तो ये आंसर आ गया कि इतनी फ्रीक्वेंसी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये कंप्लीट हो गया। एक हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बचता है, उसको और देख लेते हैं। तो अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 6 एम्पीयर इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला। क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में कि एक सर्कुलर कॉइल है जिस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन है कि कॉइल में कितने टर्न्स हैं, 30 टर्न्स हैं। इस कॉइल की हमको रेडियस भी गिवन है 8 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में लिख लेते हैं 10 to the power -2 से मल्टीप्लाई करके। तो ये रेडियस गिवन है, इस कॉइल में हमें बोला है करंट फ्लो हो रहा है, करंट कितना फ्लो हो रहा है 6 एम्पियर का करंट, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड है 1 टेस्ला। तो मींस एक सर्कुलर कॉइल है जिसके लिए ये वैल्यूज हैं, उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 1 टेस्ला। रखा किस तरह से गया है आगे देखते हैं। द फील्ड लाइन मेक्स एन एंगल 60 degrees विद द नॉर्मल ऑफ द कॉइल। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग। कैसे रखा गया है कि जैसे यहाँ पर तो है ये कॉइल, ठीक है ना, ये है कॉइल जिसमें कि हमको नंबर ऑफ टर्न्स ये दिए हुए हैं 30 टर्न्स, और मैग्नेटिक फील्ड जो है इस कॉइल के नॉर्मल के साथ, इस कॉइल का नॉर्मल सपोज ये है इस कॉइल का नॉर्मल, ठीक है, इस पे ये कॉइल का परपेंडिकुलर, जैसे ये कॉइल है तो ये इसका नॉर्मल हो गया। तो इस नॉर्मल के साथ मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रही है, 60 degrees। ये गिवन है हमें कि मैग्नेटिक फील्ड 60 degrees पर है, डिग्री का एंगल, मीन्स यहाँ पर हमें थीटा गिवन है 60 degrees, और ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई कॉइल के लिए। तो अब सारी वैल्यूज आपके पास हैं, आपको क्या फाइंड करना है इसमें, काउंटर टॉर्क। अब ये हमें पता है कि जब भी किसी करंट लूप में करंट फ्लो हो रहा हो और उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस पर एक टॉर्क अप्लाई होता है, मींस वो टॉर्क जो है उस कॉइल को रोटेट कराने की कोशिश करता है। तो अब उस टॉर्क की वजह से ये कॉइल रोटेट करने लगेगी, ये सारी वैल्यूज हमें दी हुई है ना, तो इससे हम टॉर्क फाइंड कर सकते हैं। तो उस टॉर्क की वजह से ये कॉइल रोटेट करने लगेगी, पर हमें यहाँ पर क्या बताना है, काउंटर टॉर्क की वैल्यू जो इसको रोटेट करने से, टर्न करने से रोक पाए। तो हमें बिल्कुल उतना ही काउंटर टॉर्क चाहिए जितना कि टॉर्क यहाँ पर डेवलप हो रहा है इस करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, इस कंडीशन में कि एरिया वेक्टर जो है वो 60 degrees का एंगल बना रहा है। तो मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे टॉर्क ही फाइंड करना है, जितना टॉर्क आएगा वही काउंटर टॉर्क होगा। तो हम यहाँ पे टॉर्क फाइंड कर लेते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, एन आई ए डी साइन थीटा। यहाँ पर हमारे पास सारी वैल्यूज हैं लेकिन ये एरिया की वैल्यू हम पाई आर स्क्वायर से फाइंड करेंगे, तो पहले हम एरिया फाइंड कर लेते हैं।
एरिया ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, आर कितना है 8 × 10⁻², इसका स्क्वायर। तो 3.14 × 64 × 10⁻⁴, तो अब मल्टीप्लाई करनी है 3.14 की 64 में, तो ये मल्टीप्लाई करके बच्चों ये आता है 200.96 × 10⁻⁴। ये मल्टीप्लाई करके आया, इसको हम और कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए हम इसको थोड़ा इस तरीके से लिख लेते हैं कि ये है 201 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये 200.96 है जिसको हमने 201 के क्लोज मान के 201 लिख लिया। तो हमारे पास एरिया की भी वैल्यू आ गई, तो अब टॉर्क निकाल लेते हैं। टॉ इज इक्वल टू एन की वैल्यू 30, आई की वैल्यू 6 और इधर ये ए की वैल्यू ये हमने 201 × 10⁻⁴ ये रख ली और बी की वैल्यू 1 sin 60, थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो साइन 60 हो गया। अब साइन 60 की वैल्यू √3/2 रख लेंगे हम यहाँ पर और इनको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, तो ये आ गया 180 और इधर 201 × 10⁻⁴ और ये √3/2। 2 से हम 180 को डिवाइड कर देते हैं तो 90 आ गया। अब 90 की मल्टीप्लाई 201 में कर देते हैं, तो 201 और 90 की मल्टीप्लाई करेंगे 18090 × 10⁻⁴ और √3 की वैल्यू 1.732। तो अब हमें ये मल्टीप्लाई करना रह गया, तो हम और थोड़ा कैलकुलेशन अपनी कम करने के लिए क्या करते हैं, ये 10⁻⁴ है तो 1, 2, 3, 4 हम इसको लिख सकते हैं 1.8, उसके बाद क्या है 0, 9, तो हम इसको 1.81 तक राउंड ऑफ करते रहे। बच्चों जब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो तो ऐसे इतनी छोटी छोटी सी वैल्यू को राउंड ऑफ करके हम कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं, वरना बहुत टाइम इनमें ही लग जाएगा मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में ही। तो इसलिए हमने यहाँ पर 1, 2, 3, 4 है तो 1.8 लिख लिया, उसके बाद 0, 9 है तो उसको हमने यहाँ पर ऐसे 1 लिख लिया है × 1.732। अब ये तो मल्टीप्लाई हमें करना ही पड़ेगा, ये लास्ट है, इसमें अब हम और अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई और करनी है हमें 1.732 की 181 में। ठीक है, 313492 मल्टीप्लाई करके आ गया है और हमें पॉइंट कहाँ लगाना है 4 के बाद, तो 1, 2, 3, 4 के बाद, तो ये आ गया यहाँ पर 31.3492। तो 31.3492 जो है ये डेसिमल के बाद काफ़ी बड़ी वैल्यू है, तो हम इतनी बड़ी वैल्यूज नहीं लेते, हम इसको लिख देते हैं 31.3 न्यूटन मीटर। तो ये हमारा काउंटर टॉर्क आ गया जो इसको रोकने के लिए रिक्वायर्ड है, दैट इज 31.3 न्यूटन मीटर काउंटर टॉर्क इज नीडेड। ठीक है, तो ये हमारा ए पार्ट था 13 क्वेश्चन का, ये ए पार्ट। अब बी पार्ट क्या है उसको भी देख लेते हैं। Would your answer change if circular coil in A were replaced by a planar coil of some irregular shape that encloses the same area? अब यहाँ पर क्या है, इस कॉइल की शेप चेंज करने की बात कर रहे हैं कि एरिया इसका सेम ही रहे लेकिन इसकी शेप कोई इरेगुलर शेप कर दे, मतलब जैसे ये इस तरीके की कॉइल है तो कुछ भी ऐसे ऐसे कर दे लेकिन ए की वैल्यू सेम ही रहे।
तो जब ऐसा है कि कॉइल की शेप चेंज कर दी पर उसका एरिया चेंज नहीं हुआ है, तो हम फॉर्मूले में देखें तो यहाँ पर जो टॉर्क है वो एरिया पर ही डिपेंड कर रहा है, इसकी शेप पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसलिए क्या है, हमारा आंसर जो है वो चेंज नहीं होगा, यही वैल्यू आएगी आंसर की, टॉर्क इतना ही आएगा। तो इसको भी हम लिख देते हैं कि जो टॉर्क है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पर डिपेंड करता है, ना कि उसकी शेप पर डिपेंड करता है। टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा होता है। तो इस फॉर्मूले से हम ये बोल सकते हैं कि जो टॉर्क है वो एरिया पर डिपेंड करता है, शेप पर नहीं। तो बच्चों ये थे चैप्टर 4 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज। इस चैप्टर के नोट्स, फॉर्मूला शीट, एग्जांपल्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज सब अवेलेबल है, सब अपलोडेड है, तो आप चेक कर सकते हैं। और आपके इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।